एक बार की बात है, रामपुर नामक गांव में एक मासूम बहुत प्यारी 16 साल की अनाथ लड़की खुशी, वह अपने सौतेली माँ सुजाता और दो सौतेले भाई बहन के साथ रहा करती थी। जब खुशी 5 वर्ष की थी, तभी उसकी सगी माँ उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। कुछ समय बाद खुशी की अच्छी देखभाल के लिए खुशी के पिता सुजाता से दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। सुजाता से शादी के तुरंत बाद ही राम प्रकाश भी बेचारी खुशी को छोड़कर चले जाते हैं। तब से लेकर आज तक बेचारी खुशी के ऊपर जुल्म और अत्याचार हो रहे थे। सुजाता एक मौका नहीं छोड़ती थी खुशी को परेशान करने का, और साथ में उसके दोनों बच्चे भी। खुशी पूरे दिन गधों की तरह काम करती और उसके बदले बेचारी को रूखा सूखा खाना मिलता। ऐसे ही कठिनाइयों से भरी खुशी की जिंदगी चल रही थी, लेकिन सुजाता को ऐसा लगता है कि अभी भी खुशी के ऊपर कम अत्याचार हो रहा है। तो वह एक दिन खुशी के पास आती है और उसे कहती है, देख मनहूस, तेरे बाप की जो भी जमा पूंजी है अब वह ज्यादा नहीं रही। बैंक से निकाल निकाल कर कब तक मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करती रहूंगी? घर में तो कोई कमाने वाला है नहीं। मेरे बच्चों की स्कूल की फीस, उनका अच्छा खाना, उनके अच्छे कपड़े, वह कहाँ से करूंगी? तूने सिलाई करना तो बहुत अच्छी सीख ली है, तो मैंने सोचा है कि अब तू सिलाई करेगी। घर में 4 पैसे आएंगे तो मैं अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर पाऊंगी। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है माँ, आप जैसा कहती हैं मैं वैसा ही करूंगी। घर के काम कर करके मैंने थोड़ा समय निकाल कर खुशबू आंटी से सिलाई सीख ली थी। चलो अच्छा है, अब मेरा हुनर घर चलाने में काम आ जाएगा। खुशी की बातें सुनकर सुजाता खुश हो जाती है और खुशी के लिए एक सिलाई मशीन मंगवा देती है। खुशी को ये नहीं पता था कि उसे पूरे घर के काम के साथ साथ रात को जाग जाकर सिलाई भी करनी पड़ेगी। खुशी पूरे दिन घर का काम करती और जो कपड़े सिलने के लिए आते उन्हें रात को जाग कर सिया करती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था और एक दिन इतना काम करते करते खुशी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और एक दिन खुशी अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, आप मुझे डॉक्टर को दिखाकर दवाई दिला दीजिए। और अभी तो मेरे पास सिलाई करने के 4-5 लहंगे रखे हैं जो बहुत अर्जेंट हैं। अगर कल तक मैंने लहंगे बनाकर नहीं दिए तो वह सब मुझसे इनके डबल पैसे लेंगे और अपने वह पैसे एडवांस ले रखे हैं। मेरा ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा इतना ज़्यादा काम करके। शरीर ने जवाब दे दिया, दवाई की सख्त ज़रूरत है माँ। मनहूस करमजली, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तू काम से बचने की वजह से ड्रामा कर रही है। तेरी कोई तबीयत खराब नहीं है, मैं तुझ जैसे ड्रामेबाज लड़की को अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैं तुझे डॉक्टर को नहीं दिखाऊंगी। और जो भी लहंगे अर्जेंट सिलने हैं ना उन्हें सिल देना, क्योंकि तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तेरे ड्रामा खत्म हो गया हो तो चल जल्दी से हमारे लिए नाश्ता तैयार कर और उसके बाद सिलाई कर। देखो तो ड्रामेबाज लड़की को 2 दिन सिलाई करते हुए नहीं महारानी को बुखार चढ़ गया। चल। सुजाता को बेचारी खुशी के ऊपर जरा भी रहम नहीं आता और वह उसे इतनी ज्यादा तबीयत खराब में अपने लिए नाश्ता बनवाती है। खुशी धीरे धीरे किचन तक जाती है और बहुत मुश्किलों से नाश्ता बनाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। नाश्ता करते समय सुजाता की बेटी मोहिनी कहती है, मम्मी मम्मी आपको पता है हम सब दोस्तों ने मनाली जाने का प्लान किया है, गर्मी कितनी ज्यादा हो रही है, सोचा चलो मनाली घूम कर आ जाते हैं। मेरे सभी दोस्त जा रहे हैं इसलिए मैं भी जा रही हूँ, आप जल्दी से मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए, शाम को ही निकलना है। क्या सच में बेटा तुम मनाली जा रही है? अरे वाह, जा मेरी प्यारी बेटी ऐश कर, यही तो उम्र होती है एंजॉय करने की। मैं तुम्हें 10 क्या अभी 20,000 रुपए देती हूँ, मैं उस मनहूस से सिलाई क्यों कराती हूँ ताकि तुम्हारे एंजॉय करने में कोई कमी ना आए। इसलिए तो बहुत एंजॉय करना और समय समय पर अपनी पिक मुझे सेंड करती रहना, मैं भी तो देखूंगी आखिर मेरी बेटी वहाँ पर कितना एंजॉय कर रही है। ऐसा कहकर सुजाता खुशी के ही सामने खुशी के सिलाई की कमाई के अपनी बेटी को उड़ाने के लिए पैसे दे देती है और खुशी को एक छोटे से डॉक्टर को दिखाकर दवाई भी नहीं दिलाती। यह सब देखकर खुशी को बहुत दुख होता है और खुशी अपने रूम में जाकर अपने माता पिता को याद करके बहुत रोती है।
बड़ा पिताजी, आप देख रहे हैं, आपको तो स्वर्ग से सब दिखाई दे रहा होगा कि मेरी सौतेली माँ मेरे ऊपर कितना अत्याचार कर रही है। मुझसे दिन में घर का सारा काम कराती है और रात को सिलाई, और जो पैसे कमाती हूँ उसे अपनी बेटी बेटे को फालतू में खर्च करने के लिए दे देती है, और मुझे 50 रुपए की दवाई भी नहीं दिला रही। माँ काश मैं भी मर जाऊं तो अच्छा है, कम से कम इतना दुखी जीवन तो नहीं बिताना पड़ेगा। मुझे लगा था अगर मैं सिलाई करूंगी तो घर के कामों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन मुझे कहां पता था कि सिलाई करने के साथ साथ मुझे इतना सारा काम भी करना पड़ेगा। देखिए आज मेरी कितनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगू। ऐसा कहकर खुशी बहुत जोर जोर से रो रही थी, तभी खुशी की स्वर्गवासी माँ की आत्मा आ जाती है। अपनी माँ को अपने सामने देखकर खुशी बहुत खुश होती है और अपनी माँ से कहती है, क्या सच में माँ मैं आपको देख पा रही हूँ, आप मुझसे मिलने स्वर्ग से आई हैं। माँ आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, हमेशा मेरे साथ ही रहना। देखिए मेरी सौतेली माँ ने मेरा क्या हाल कर दिया, जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। बेटा तुम्हारी तड़पन ही तो मुझे तुम्हारे पास खींच कर लेकर आई है, मुझे पता है वह दुष्ट सुजाता तुम्हारे ऊपर कितना अत्याचार करती है, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई सिलाई मशीन देती हूँ बेटा, इसकी मदद से तुम्हारी सब दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। बस इसके सामने कोई भी तुम कपड़ा रखना और किसी भी ड्रेस के बारे में सोचोगी तो वह ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगी। और बेटा तुम इस जादुई सिलाई मशीन को जैसे ही छूओगी तो तुम्हारी बीमारी भी छूमंतर हो जाएगी। क्या सच में माँ ऐसा हो सकता है, आप कितनी अच्छी हैं, आपने मेरी सारी दुख परेशानियों को चुटकियों में हल कर दिया। माँ ऐसी ही होती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जादुई सिलाई मशीन देने के लिए। अच्छा बेटा अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मुझे जाना होगा, अपना ख्याल रखना। और बेटा माँ की खुशी उसके बच्चों में ही होती है, मैं तुम्हें इस तरह से तड़पता हुआ कैसे देख सकती थी, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा। ऐसा कहकर खुशी की स्वर्गवासी माँ जादुई सिलाई मशीन देकर अदृश्य हो जाती हैं। और अपनी माँ के जाने के बाद जैसे ही खुशी वह जादुई सिलाई मशीन छूती है तो उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसके बाद जादुई सिलाई मशीन के पास एक कपड़ा रखती है और लहंगों के बारे में सोचती है तो खुशी के सामने सुंदर सुंदर लहंगे बनकर तैयार हो जाते हैं। यह देखकर खुशी को बहुत ज्यादा खुशी होती है। अरे वाह माँ की यह जादुई सिलाई मशीन तो कितनी ज्यादा अच्छी है, इसकी मदद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार थी ही नहीं। और जो लहंगे अर्जेंट के बनने के थे वह भी सब तैयार हो गए, अब मैं जादुई सिलाई मशीन की मदद से खाना मांगकर खाती हूँ, बहुत दिन हो गए स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। ऐसा सोचकर खुशी जादुई सिलाई मशीन के ऊपर हाथ रखती है और बहुत सारे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने के बारे में सोचती है तो उसके सामने अलग अलग तरह के कई पकवान आ जाते हैं और खुशी कई साल बाद ताजी और स्वादिष्ट खाना खाती है। खुशी बहुत ज्यादा खुश थी और वह पेट भरकर खाना खाकर सो जाती है। सुबह होने के बाद जिस जिसके भी लहंगे थे वह खुशी के पास आती है और लहंगे मांगती है। खुशी बेटा तुमने लहंगे तैयार कर दिए, तुम्हें पता है ना कल मेरी बेटी की शादी है। अरे अरे आप चिंता क्यों करती हो, मैंने तुम सभी के कपड़े तैयार कर दिए हैं। दिव्या ये रहा तुम्हारा लहंगा, सरिता आंटी ये रहा आपकी बेटी का लहंगा, और काजल ये लो ये रहा तुम्हारा लहंगा। अरे वाह खुशी बेटा ये लहंगा सच में तुमने तैयार किया है, ऐसा लहंगा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम तैयार कर दोगी, सच में बहुत ज्यादा सुंदर है, ऐसे लहंगे तो अच्छे से अच्छे बुटीक पर भी तैयार नहीं होते इतने कम पैसे में। भाई मैं तो गांव में जाकर सबसे कह दूंगी कि अगर किसी को कपड़े बनवाने हो तो खुशी के हाथ से ही बनवाए, यह लो बेटे डबल पैसे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, अब सब कपड़े तो मैं तुमसे ही बनवाऊंगी। इस तरह से खुशी की सब बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और उसे ज्यादा ज्यादा पैसे देकर चले जाते हैं। अपनी इतनी ज्यादा तारीफ होते देख खुशी को बहुत अच्छा लगता है और उसके पास जो भी पैसे आते हैं वह सब उसकी सौतेली माँ छीन लेती हैं और उसको जोर से थप्पड़ मारकर कहती हैं,
क्यों मनहूस, मुंह के अंदर दही जमा कर बैठ गई थी। जब सब औरत लड़कियां तेरी सिलाई की तारीफ कर रही थी तो जरा सा झूठ बोल देती कि कह देती, नहीं मेरी सौतेली माँ ने भी मेरी मदद की है, तेरी शान में कोई कमी तो नहीं आ जाती। मगर क्यों कह देती, मनहूस को तो मजा आ रहा होगा ना। अगर अब तेरी खुशी खत्म हो गई हो तो जो गंदे कपड़े पड़े हैं उन्हें दो। और उसके बाद चिंटू पिज्जा खाने के लिए कह रहा है, उसके लिए पिज्जा बना और मेरे लिए वेजिटेबल बिरयानी। खुशी अपनी सौतेली माँ को अपनी माँ की जादुई सिलाई मशीन के बारे में कुछ नहीं बताती और वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है और जादुई सिलाई मशीन की मदद से चिंटू के लिए पिज्जा बना देती है और अपनी सौतेली माँ के लिए वेजिटेबल बिरयानी बना देती है। और घर में जो भी काम था, कपड़े धोना, सफाई होना, इस्त्री होना, सब काम जादुई सिलाई मशीन की मदद से कर देती है। अब जादुई सिलाई मशीन की मदद से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े बनाकर तैयार हो रहे थे तो खुशी का दूर दूर तक नाम होने लगा था। आसपास के गांव वाले भी खुशी के पास कपड़े सिलवाने के लिए आने लगे। हर कोई उसकी बहुत तारीफ कर रहा था। खुशी का नाम होते देख मोहिनी खुशी से जलना शुरू हो जाती है और वह एक दिन अपनी माँ से कहती है, मम्मी आप इससे पूरे घर का काम कराती हैं। यह कुछ नहीं कहती, समय निकालकर इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाती है। पूरे गांव में इस खुशी नौकरानी का बहुत नाम हो रहा है। आप समझ रही हैं ना, आपकी बेटी को कोई नहीं पूछ रहा। मैं ये होते नहीं देख सकती। आपको इसकी सिलाई मशीन जला देनी चाहिए ताकि नौकरानी सिलाई ना कर सके। बस आप इसे नौकरानी बना के रखें। बेटा कह तो बिल्कुल ठीक रही है, मगर इसके सिलाई करने से घर में कितने सारे पैसे आ रहे हैं। उन पैसों से ही तो तू और चिंटू ऐश कर रहे हो। मगर वहीं दूसरी तरफ सिलाई करने से इस मनहूस का आसपास के गांव में बहुत नाम हो रहा है। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। बस मेरी बेटी का ही हर कहीं नाम होना चाहिए, उस नौकरानी का बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर सुजाता जादुई सिलाई मशीन को जला देती है और खुशी के पास जाती है और उसकी बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस लड़की अब तू मेरे घर में नहीं रहेगी। मैंने तुझे सिलाई मशीन दी थी, मैंने उसे जला दी। सिलाई मशीन से तेरा बहुत नाम हो रहा था, अब तू मेरे घर में नहीं रहेगी। निकल जा मेरे घर से, अब मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ सिलाई करके मैं जो भी पैसे कमाती हूँ आपको ही तो दे देती हूँ। उन पैसों से आप, आपकी दोनों बच्चे कितनी ज्यादा ऐश कर रहे हो। मैं तो उनमें से एक रुपया भी अपने पास नहीं रखती। मेरी सिलाई लोगों को पसंद आ रही है और वह मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरा नाम हो रहा है, तो आपसे यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं आपकी आँखों में चुभने लगी। देखा मम्मी, आपको कैसे जवाब दे रही है, आपने घर में एक सांप को पाल रखा है। यह सुनकर सुजाता को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह खुशी को एक और जोर से थप्पड़ मारती है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे घर से बाहर निकाल देती हैं। अब खुशी के पास उसकी माँ की जादुई सिलाई मशीन भी नहीं थी। उसे बहुत दुख होता है और वह जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोती है। माँ देखिए, मेरी सौतेली माँ ने मेरे साथ कितना बुरा किया है। आपकी जादुई सिलाई मशीन जलाकर राख कर दी और मुझे घर से भी धक्के मार के निकाल दिया और मुझे एक रुपया भी नहीं दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी, अपना पालन पोषण कैसे करूंगी। ऐसा कहकर खुशी बहुत रो रही थी कि तभी उसके सामने उसकी माँ की दूसरी जादुई सिलाई मशीन आ जाती है और वह खुशी से कहती है, खुशी तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ अच्छी तरह से जानती थी कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें इतनी आसानी से खुशहाल नहीं रहने देंगी, इसलिए तुम्हारी माँ दूसरी जादुई सिलाई मशीन इस जंगल में छोड़कर चली गई और मुझसे कहा, तुम जब भी परेशानी में हो तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँ। आज तुम परेशान हो तो मैं तुम्हारे सामने आ गई, अब तुम मेरी मदद से अपना पालन पोषण कर सकती हो। दूसरी जादुई सिलाई मशीन की बातें सुनकर खुशी बहुत खुश होती है और वह जादुई सिलाई मशीन की मदद से अपना एक छोटा सा बुटीक खोलती है और जादुई सिलाई मशीन की मदद से कपड़े तैयार करती है और एक दिन वह बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है। उसका एक नहीं, दो नहीं, अलग अलग शहरों में कई बुटीक हो जाते हैं। दूर दूर तक खुशी का बहुत नाम हो रहा था। जब इस बात की खबर सुजाता और मोहिनी को लगती है तो दोनों और भी ज्यादा जलने लगती हैं और वह खुशी के ऊपर नजर रखने लगती हैं। और एक दिन मोहिनी देखती है कि जादुई सिलाई मशीन की मदद से इतने सुंदर सुंदर कपड़े तैयार हो रहे हैं। तभी वह अपनी माँ से कहती है, मम्मी यह सब जादुई सिलाई मशीन का कमाल है, इस मनहूस के हाथों का कमाल नहीं है। अगर हम इसे चुरा कर अपना एक बुटीक खोलें तो हमारा भी नाम होने लगेगा। इस नौकरानी के पास जादुई सिलाई मशीन होगी नहीं और ये सुंदर कपड़े बना ही नहीं पाएगी तो सब हमसे ही बनवाएंगे। हमारा बहुत नाम होने लगेगा, हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर बस आपकी बेटी का ही नाम होगा, उस मनहूस का नहीं।
अपनी बेटी की बातें सुनकर सुजाता बहुत ज्यादा खुश होती है और एक दिन जब खुशी घर पर नहीं होती तो दोनों माँ बेटी इस मौके का फायदा उठाकर उसकी माँ की दूसरी जादुई सिलाई मशीन चुराने का प्लान बनाती हैं और जैसे ही घर में जाकर उस जादुई सिलाई मशीन को चुराने की कोशिश करती हैं तो दोनों माँ बेटी को बहुत ज्यादा तेज करंट लगता है, इतनी तेज की दोनों की मृत्यु हो जाती है। इस तरह सुजाता और मोहिनी को उनके लालच और बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ खुशी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है और दूसरों की भी बहुत मदद करती है।